आइए गौर करते हैं सदा वृक्ष सुरंगा की कहानी में कि ये सदा वृक्ष सुरंगा कौन थे। एक प्रमाण तो ये मिला है कि ये इंद्र के दरबार में नाचने वाली रंभा नाम की अप्सरा थी। ये एक सौदागर के ऊपर आशिक हो गई और इंद्र के पास विलंब से पहुंची तो इंद्र ने पूछा कि तू कहां रही, तो उसने बहाने बनाए। इंद्र ने श्राप दे दिया, रंभा तू जिसके पीछे झूठ बोल रही है जिंदगी भर उससे मिलेगी बिछड़ेगी लेकिन तेरी आस कभी पूरी नहीं होगी, ये हमारा श्राप है तेरे लिए। अरे इंद्र ने तब ही श्राप दयो, अरे मेरी रंभा तेरी पूरी हो नहीं। के सदा वृक्ष सुरंगा बने। एक गांव में एक महात्मा जी आए और जब गांव में महात्मा जी आए हुआ ऐसा गांव में इधर उधर घूम रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे लेकिन गांव के पता नहीं वो लोग कैसे थे। कैसे थे? अरे द्वार द्वार साधु फिरो मेरे भैया, जाए मांगे मिली नहीं गंगा भीख जी। अरे द्वार द्वार साधु फिरो मेरे भैया, जाए मांगे मिली नहीं गंगा भीख जी। महात्मा जो रहे वो गांव के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं लेकिन पता नहीं वो गांव के कैसे लोग थे जो उन्होंने किसी ने भीख नहीं दी। वैसा दिन भरी घूमे पूरे गांव में वो साधु, दिन भरी घूमो पूरे गांव में वो साधु, जाए तो किसी ने कछु नहीं दी। समझ में नहीं आता है इस गांव के पता नहीं कैसे लोग हैं। आज चार दिन हो गए, बड़ी तेजी से भूख लगी थी, मैंने ये रास्ते में गांव देखा तो ये सोचा यहां तो भोजन हमें मिल ही जाएगा, अब तो हमसे पैदल भी नहीं चला जाता है। मुझे नहीं मालूम था कि इस गांव में इतने पापी लोग भी रहते हैं लेकिन उन्होंने हमें भीख नहीं दी तो हम इस पूरे गांव को ही श्राप दे देंगे। सीताराम स्वामी जी। सीताराम महाराज, बड़ा विचलित मालूम पड़ रहे हैं आप। प्रभु भोजन की अभिलाषा है या वस्त्र की जरूरत है, उदास
ये चेहरा आपका देखा नहीं जा रहा प्रभु, भोजन पाइए प्रभु। पूरे गांव में हम घूम के इधर से निकलते हुए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे गांव में पता नहीं क्या बात है जो हमें किसी ने भीख नहीं डाली। चार दिन हो गए, चलो तुम पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। पूछ नहीं रहे महाराज, आप भोजन पाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। पूरे गांव तो अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। मुझे नहीं मालूम था कि परम पिता परमात्मा सबकी सुनता है, ये तो मालूम था, लेकिन आज देख भी लिया कि पूरे गांव ने किसी ने भीख नहीं दी, लेकिन आप हमारे पास में आए हैं पूछने के लिए। लेकिन बेटा मेरी बात अगर मानो तो तुम इस गांव को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पापी रहते हैं और हमारे जाने के बाद में इस गांव में आग लग जाएगी। क्या कह रहे हैं स्वामी जी, इस गांव में जब आग लग जाएगी तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। एक संत को इतने क्रोध में नहीं आना चाहिए प्रभु, हम आपकी सेवा करेंगे। अरे पूरे गांव को आप छोड़िए, आप आजीवन हमारे यहाँ रहें, फिर भी हम आपकी सेवा करेंगे। प्रभु भोजन पाइए। मैंने जो श्राप दिया है और श्राप को कभी वापस नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम मेरा कहना मानो, क्योंकि तुमने हमारे हमसे कुछ आके बात तो की, भोजन के बारे में पूछा और कुछ पूछा, मेरा कहना मानो, तुम जो कुछ यहाँ से लो और यहाँ से इस गांव को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। स्वामी जी आप तो जा रहे हैं, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी चले गए, अब गांव में आग लगने वाली है और मुझे बचना है, अब मैं अपनी पत्नी को बुला लूं। अरे अरे भाग के आ भाग्यवान, भाग के आ भाग्यवान, स्वामी जी कह गए हैं, श्राप दे गए हैं, इस नगर में आग लगने वाली है, अरे भागो भागो, जो कुछ भी है हाथ में, अरे ये थैला छोड़ो, चल ले 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 ले, चलो भागो, और पीछे मन देखना, पीछे देखेगी तो ये कह गए थे बाबा जी, मेरे कान में जो कहा था तूने ध्यान दिया, पीछे देखेगी तो बाबा जी कह गए थे बंदर बनरिया बन जाओगे, डुमडुमिया के सारे नाचना पड़ेगा, पीछे मन क्यों देख रही है, चलो ये तो नहीं देख रही है, मैं देख लूं। हाँ दोस्तों हुआ ऐसा, वो तो वहां से भागे, और महात्मा जी ने एक बात कही, लला पीछे घूमे के मत देखियो, जो अगर पीछे घूमे के देखो तो मतलब हाँ, लेकिन वो ना माने, और जैसे ही पीछे घूमे के देखो है तो वो बंदर और बनरिया बने। काया जब पलटी है उसके बाद में वो जंगल में रहने लगे, रहते 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 कुछ समय जब व्यतीत हुआ, लेकिन एक बार एक ऐसी रात आई जिस वृक्ष पर वो बंदर और बनरिया रह रहे थे, और बाई वृक्ष पे एक हंसक जोड़ा आओ, तो हंसनी ने एक बात कही, महाराज कोई ऐसी बात कहो जैसे रात कट जाए। और जब हंस ने इतने शब्द सुने तो तुरंत ही जवाब दो, हम तुम्हें बता रहे हैं, आज रात में जो शुभ घड़ी है, काऊ की अगर काया पलट गई हो और जो बरगद के नीचे ताल है जामे अगर कोई नहले तो वो बहुत सुंदर बन जाएंगे। उनकी बात जैसे ही वो बनरिया ने सुनी, वे तो बंदर वे तो आराम से लेते, उन्हें कोई मतलब नहीं, और जैसे ही बाने सुनी सुबह उन्हें जगाई उठी, जगातरी लेकिन ना जगी, और जब ज्यादा जगाओ सुई उन्हें गुस्सा आएगी, सुबह लात दही खेचेगी। अब बनरिया जो रहे वह ताल में गिर पड़ी, और जैसे ही ताल में गिरी काय ही बदली गई, सुंदर सी जब वो लड़की बनी है। जब गिरी बनरिया ताल में के सुन लो दादा चितलाई,
अब भाव ऐसो जैसे ही वह बनरिया वह ताल में कूदी तो बतो बड़ी सुंदर लड़की बनेगी। और बे जो बंदर रहे बे तब उठे जब सुबह घड़ी निकली गई। अब जैसे ही बे उठे अब बेर बेर ताल में कूदी पत्ता लेकिन बात है हो तो गए। अब बाई समय के बीच में भैया भाव ऐसो कि रह न लगे बाई ब्रच पे मेरे भैया व्यतीत भव तब तक ऐसो भव एक दिना एक राजा रहे और राजा शिकार खेलवे के लिए जैसे ही भाई जंगल में पहुंचो है और वे हिरन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे और हिरन तो ना मिले लेकिन वो लड़की जो रहे जैसे ही उनने देखी अब सुंदर तो थी बहुत ज्यादा। अब वे शिकार खेले वो तो भूल गए वो लड़की की तरफ भागे भागे जैसे ही वे लड़की की तरफ भागे लेकिन वो लड़की ने जब राजा देखो तो वो खोह की तरफ भागी और खोह में जाए कि जैसे ही घुसी है राजा ने आवाज लगाई कि बाहर निकल के आओ। तो लड़की ने जवाब दिया है हम नगिन हैं हम तुम्हारे सामने कैसे आ सकते हैं। राजा से जैसे इतने शब्द कहे बाकी बाद में राजा जो रहे उन्होंने अपना पीताम्बर नीचे डालो है और लड़की ने जैसे ही अपने शरीर पर वो पीताम्बर लपेटो बाहर निकल के आई और जैसे ही राजा ने देखो बेचारे ही बदले गए। बाजी बा इतनी सुंदर ये तो मेरी रानी होनी चाहिए इसे तो महलों में रहना चाहिए ये इस जंगल में रह रही है। ऐसा करो ना तुम हमारे साथ में चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती तुम जानते हो मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और अपने पति के साथ में समय गुजारना चाहती हूं। अरे काहे नहीं जा सकती भैया अरे नहीं मालूम कैसा तुम्हारा पति है जो तुम्हारी तो बिल्कुल कदर ही नहीं करता। ऐसी बात मत कहो मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। कैसा प्यार करता है अगर तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करता
तो तुम्हारे शरीर पर वस्त्र नहीं होते क्या? तुम्हारे शरीर पर गहने नहीं होते क्या? और तुम्हारा पति कैसा है भाई, कैसा है, कहाँ है? मेरा पति मेरे पास में है। जो आपको ये बंदर दिखाई दे रहा है ये मेरा पति है। मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। ये बंदर? और मतलब तुम्हारा पति? हाँ मेरा पति है। ये कैसे हो सकता है? अरे इन्हें छोड़ो, कहाँ बंदर के पीछे वैसे ही डरी है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम्हारे साथ में। चले जा यहाँ से। मैं राजा हूँ और हमारे घर में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? मुझे तुम्हारे, तुम राजा हो, तुम्हारी धन दौलत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लालच मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं मालूम तुम्हें, यहाँ जंगल में जो तुम फल खा के रहती हो ना, अरे महलों में चल के तो देखो, अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा में लगा देंगे। शरीर पर वस्त्र होंगे, गहने होंगे, और हम तुम्हें क्या बताएं। मेरा कहना है कि चलो संग में तुम घर पर यो प्यारी। नहीं। क्यों? चलो संग में तुम घर पर यो प्यारी, बनाऊं अपने दिल की दुल्हनिया। चलो घर पर तुम मेरे संग में, बनाऊं अपने दिल की दुल्हनिया। थोड़ा हमारे चेहरा की तरफ देखो ना।
अरे उधर कहां देख रही भाई, हमारी तरफ देखो ना। तुम्हारी तरफ देख करके मुझे क्या फायदा है, क्यों बार बार कह रहे हो? तुम चाहे लाख बार मना करो लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो बैठो मेरे साथ। नहीं, नहीं जाऊंगी। बैठो ना। नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं बैठिए। नहीं जा सकती। कैसे नहीं जा सकती, देख रहे हम। बैठो। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दो मुझे। नहीं रुके। बचाओ बचाओ, छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति रह जाएगा मेरे बिन। छोड़ दो मुझे। नहीं रुके। बचाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। नहीं रुके। बचाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देव हम घर पर आ गए और इन महलों के अंदर रहो। अब वो ऐसे थोड़ी रानी बन के रहना पड़ेगा। तुम ये क्या बात कह रहे हो, मैं तुम्हारी रानी बन के? ये तो कदापि नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, अपना सत्धर्म नष्ट नहीं कर सकती। क्या बात कह रहे हो, लेकिन मुझे रखना ही चाहते हो तो एक वायदा निभाना पड़ेगा। बोलो बोलो, तुम्हारे लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बोलो ना। सुनो के बारे बरसी बाबूली रहो पर का कहा? क्या कहा तुमने भाई? मैं सही कह रही हूँ। अरे ना जी ना, ना जी ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसे थोड़ी रह सकते। देखो, किसी स्त्री के साथ में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर तुम मुझे लेके आए हो तो ये बाधा तुम्हें निभाना पड़ेगा। और सुन रहे हो, अगर ये मेरे साथ में ऐसा नहीं किया तुमने तो सुनो, अरे हुज्जत करोगे मेरे साथ। क्या कहा? अगर मेरे साथ में जबरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलते। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर मुझे रखना चाहते हो तो जो मैं आपसे वादा ले रही हूँ वो पूरा करो। ताते बात मेरी रखना चाहते हो तो ये वादा तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे 12 वर्ष की तो बात है। चलो छोड़ो, तुम हमारी लड़की के समान हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, 12 वर्ष के बाद में फिर। हाँ, 12 वर्ष के बाद में मैं तुम्हारी पत्नी बनकर के रहूंगी, ये वादा करती हूँ। ठीक है ठीक है, ये तो सही है। महाराज। हाँ जी बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। मेरी एक चीज पर बहुत इच्छा है, क्या आप पूरी कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। महाराज, मैं बंदर और बदरिया का नाच देखना चाहती हूँ, क्या मुझे दिखा सकते हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है,
हम अभी दरबार में जा रहे हैं, मंत्री से बोलेंगे। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। मंत्री हजूर, समझ में नहीं आता तुम कहां खोए रहते हो। नहीं हजूर, आदेश करें। हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब भी खोए हुए हो कहीं। नहीं हजूर, अन्नदाता आपके आदेश का पालन होगा। हुक्म कीजिए महाराज। ऐसा है, चारों तरफ ये खबर पहुंचा दो कि राजा के यहां जितने भी मदारी हैं इस राज्य में जो रहते हैं, हाँ हजूर, उन सब मदारियों को बुलाया जाए। सब मदारी एक साथ? अरे एक साथ नहीं तो अलग अलग बुला लो, लेकिन बुलाया जाए। हजूर आपका आदेश हो गया, अब हम जा रहे हैं और एक भी मदारी ऐसा नहीं रहेगा जो अपने बंदर बंदरिया लेकर के आपके दरबार में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। सुन रहे हो सभी नगरवासी, महाराज का हुक्म है, एक भी मदारी बिना बंदर और बंदरिया के, समझ रहे हो? बात पूरी दोहराऊं, बंदर बदरिया साथ लेकर महाराज के दरबार में अपना वो क्या दिखाया जाता है, दिखाना है, वहां खेल दिखाना है। महाराज ने ये आदेश किया है कि उनको जिसका खेल सबसे अच्छा होगा बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। हजूर हजूर, बोलिए बोलिए। आपके मंत्री ने कहा कि बंदर बदरिया को लेके आना है। देख लीजिए हजूर, ये बंदर इस बंदरिया से 1.5 साल बड़ा है और फिर भी बराबर मालूम पड़ता है। मदारी हो ना? जी पैदाशी मदारी हूं महाराज। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप दिखाइए। क्या दिखाने के लिए आए? नाच दिखाने आए ना? क्षमा जा। हजूर इसने बनारस में जाकर के अपना नाम ऊंचा किया और ये जो बंदर है ये नखलऊ के बड़े बड़े नवाबों के अनाज थाना बहुत बहुत प्रसिद्ध बंदर है। अच्छा हम शुरू करते हैं। हाँ छमिया तुझे नाचना है और तू हरकत नहीं करना है, महाराज का दरबार है। अन्नदाता बोलिए बोलिए। खेल शुरू है, आप अपने दरबार के सहज लोगों को देखो। हाँ छमिया ए शुरू छमिया, ये डमरू पर देखो किस तरीका से, ये मेरे डमरू पर किस तरीका से नाचती है छमिया। अरे छमिया नाच छमिया, पैसा मिलेगा, बाबू का दरबार है, पैसा मिलेगा छमिया। बहुत अच्छा। हुकुम महाराज। कोई बात नहीं, हमने देखा अभी और भी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा नाचते हैं ये तो। हजूर इससे अच्छा भी नाचते हैं, अगर सुबह के वक्त नाचे तो वो पैसे के हिसाब से सब काम चलते हैं। नहीं नहीं आप बताइए, हम आपको पुरस्कार देंगे, ऐसी बात नहीं है। बोलिए हजूर, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आप देंगे उसी को हम ले लेंगे। अरे मंत्री। हजूर इधर आओ भाई, इधर आओ। हाँ हुक्म महाराज। तुमने देखा ये इस मदारी ने तो बड़ा अच्छा नाच दिखवाया। बहुत सुंदर बना, अत्युत्तम महाराज। ऐसा करो इसकी जो इच्छा हो उतना इसे पुरस्कार दे दो। हजूर आदेश। ए मदारी।